हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इंट्राडे पोजिशनल या स्विंग ट्रेडिंग पे रिस्क मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। एंड रिस्क मैनेजमेंट के लिए हम स्टॉप लॉस प्लेस करते हैं, सिस्टम पे हम स्टॉप लॉस प्लेस करते हैं। इंट्राडे बेसिस पे हम इजीली ऑर्डर को प्लेस कर सकते हैं एंड वो हिसाब से हमारा एग्जीक्यूट भी हो जाता है। बट पोजिशनल या स्विंग ट्रेडिंग पे कैसे हम स्टॉप लॉस प्लेस करें, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग एंड पोजिशनल ट्रेडिंग पे पोजीशन को होल्ड करना रहता है, कुछ दिन तक पोजीशन को होल्ड करना रहता है। एंड वो केस में नॉर्मल स्टॉप लॉस वैलिड नहीं रहता है, क्योंकि नॉर्मल स्टॉप लॉस जो है वो सिंगल डे के लिए वैलिड रहता है। अगर आप मॉर्निंग में स्टॉप लॉस प्लेस करते हैं तो इवनिंग तक 3:15 तक फिर वो ऑर्डर वैलिड रहता है, बाद में फिर वो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाता है। फिर से आपको ऑर्डर प्लेस करना रहता है नेक्स्ट डे पे, फिर से आपको स्टॉप लॉस प्लेस करना रहता है। तो ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग एंड थोड़ा डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। एंड जो लोग मार्केट में एक्टिव नहीं रहता है उनके लिए तो और डिफिकल्ट हो जाता है। तो कैसे हम इजीली स्विंग ट्रेडिंग एंड पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए स्टॉप लॉस प्लेस करें, वो हम आज के वीडियो में लाइव एग्जाम्पल के साथ डिस्कशन करेंगे। एंड यहाँ पे जितने भी आप होल्डिंग पे पोजीशन दिख रहे हैं ये मोस्टली स्विंग ट्रेडिंग पोजीशन ही है। तो एग्जांपल पर्पस हम यहाँ पे ही अप्लाई करके देखेंगे कैसे स्विंग ट्रेडिंग पे स्टॉप लॉस को अप्लाई करते हैं। तो चलिए अभी हम लाइव एग्जांपल के साथ देखते हैं कैसे स्विंग ट्रेडिंग पे स्टॉप लॉस प्लेस करते हैं। एंड इसके लिए हम जीरोधा प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं एंड ये डेस्कटॉप साइट है। मोबाइल ऐप पर भी आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, ऑफ मार्केट में भी आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं। एंड एग्जाम्पल के लिए हम ये सेलेक्ट कर रहे हैं, आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट में आप ये ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। तो जैसे आप 3 डॉट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको GTT दिखेगा, क्रेट GTT दिखेगा। GTT मतलब गुड टिल ट्रिगर, मतलब अगर आपने एक स्टॉप लॉस सेट कर दिया, एक ट्रिगर प्राइस अगर आपने सेट कर दिया, जब तक वो ट्रिगर प्राइस तक प्राइस नहीं आता है तब तक आपका ऑर्डर वैलिड रहेगा। एक साल तक आपका ऑर्डर वैलिड रहेगा। एक साल के बीच में अगर वो लेवल पर प्राइस नहीं आता है तब तक आपका वो ऑर्डर वैलिड रहेगा, एज इट इज़ रहेगा। तो जैसे आप क्रेट GTT में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा ट्रांजेक्शन टाइप बाई एंड सेल। तो आप बाई भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं। ऑलरेडी हमारा बाइंग पोजीशन है तो यहाँ पे बाई डिफॉल्ट सेलिंग पोजीशन दिखा रहा है। एंड ट्रिगर टाइप पे आपको यहाँ पे सिंगल एंड OCO दिखेगा। सिंगल मतलब अगर आप सिंगल सेलेक्ट करेंगे तो आप सिंगल ऑर्डर ही प्लेस कर सकते हैं, मतलब अगर आपको स्टॉप लॉस प्लेस करना है तो आप सिंगल स्टॉप लॉस ही प्लेस कर सकते हैं, उसमें आप टारगेट प्लेस नहीं कर सकते। बट OCO में आप स्टॉप लॉस एंड टारगेट दोनों एक ही ऑर्डर में आप प्लेस कर सकते हैं, बट सिंगल में आइदर आप स्टॉप लॉस नहीं तो टारगेट प्लेस कर सकते हैं। तो पहले हम सिंगल देखेंगे, बाद में फिर हम OCO भी एग्जांपल के साथ डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे हमने सिंगल सेलेक्ट किया। तो यहाँ पे देखिए ट्रिगर प्राइस आपको पुट करना है, यहाँ पे क्वांटिटी एंड प्राइस आपको डिफाइन करना है। एंड इसके लिए ट्रिगर प्राइस के लिए हम चार्ट का रेफरेंस लेंगे, जो भी इंस्ट्रूमेंट रहेगा उसका चार्ट पे हम जाएंगे एंड चार्ट पे हम वो लेवल डिसाइड करेंगे कौन सा लेवल पे हमको स्टॉप लॉस पुट करना है। जस्ट एग्जांपल के लिए तो देखिए ये लेवल पे हम स्टॉप लॉस पुट करेंगे, 322 आ रहा है तो हम 320 के नीचे हम स्टॉप लॉस प्लेस करेंगे। तो फिर से हमको यहाँ पर जाना है तो ट्रिगर प्राइस पे 320 आपको पुट करना है, 320 क्वांटिटी जितना है यहाँ पे देखिए 50 क्वांटिटी है तो मैं 50 क्वांटिटी फिल किया। एंड प्राइस आपको जो ट्रिगर प्राइस रहेगा उससे थोड़ा नीचे आपको यहाँ पे पुट कर देना है। तो 320 हमने ट्रिगर प्राइस सेट किया तो यहाँ पे हम 319 सेट करेंगे, 1 प्राइस का हमने डिफरेंस रखा है। तो जैसे प्राइस 320 पे आएगा, 320 जैसे हिट होगा तो हमारा जो ऑर्डर रहेगा वो एक्सचेंज पे चला जाएगा। एंड जैसे प्राइस 320 हिट होगा एंड 320 से लेकर 319 के बीच में फिर हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम प्लेस कर देंगे तो देखिए यहाँ पे आपको दिखेगा GTT में आपको ये ऑर्डर दिखेगा। यहाँ पे देखिए एक्टिव बोल के आ रहा है, देखिए यहाँ पे एक्टिव बोल के आ रहा है स्टेटस। तो ये एक साल तक एक्टिव रहेगा, अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो हिट हो जाएगा, नहीं तो एक साल तक आपका वैलिड रहेगा। आपको बार बार स्टॉप लॉस प्लेस करने का जरूरत नहीं एंड इसके लिए आपको एक्स्ट्रा कोई चार्जेस भी पे नहीं करना है। आप ऑफ मार्केट में इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं, यहाँ से आप इसको एडिट भी कर सकते हैं, आप स्टॉप लॉस को ट्रेल भी कर सकते। तो चलिए एक ही ऑर्डर में स्टॉप लॉस एंड टारगेट दोनों एक साथ कैसे प्लेस करते हैं वो देखते हैं। एंड इसके लिए फिर से हम यहाँ पे जाएंगे, होल्डिंग पे जाएंगे एंड यहाँ पे हम 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, क्रिएट GTT सेलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पे हम OCO सेलेक्ट करेंगे। तो स्टॉप लॉस तो हम वो हिसाब से रखेंगे, 320 हमारा
ट्रिगर प्राइस रहेगा, देखिए यहाँ पे स्टॉप लॉस दिख रहा है, पहला ऑप्शन स्टॉप लॉस है एंड सेकेंड ऑप्शन देखिए टारगेट दिखा रहा है। तो पहले हम स्टॉप लॉस सेट करेंगे, 320 हमारा ट्रिगर प्राइस रहेगा स्टॉप लॉस के लिए एंड प्राइस रहेगा हमारा 390। तो प्राइस जैसे 320 पे आएगा तो फिर हमारा स्टॉप लॉस एक्टिव हो जाएगा एंड 320 से लेकर 319 के बीच में हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। एंड टारगेट के लिए फिर हम चार्ट पे जाएंगे, चार्ट थोड़ा छोटा करेंगे, तो फिर टारगेट हम रखेंगे ये लेवल तक हम टारगेट रखेंगे, जस्ट हम एग्जांपल के लिए डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए हम ये लेवल तक रखेंगे 385 तक हम टारगेट रखेंगे, एग्जांपल के लिए हम डिस्कस कर रहे हैं। 384 हमारा ट्रिगर प्राइस रहेगा एंड प्राइस रहेगा हमारा 385। स्टॉप लॉस में क्या था, जो प्राइस था वो ट्रिगर प्राइस से थोड़ा नीचे था एंड टारगेट में क्या करना है आपको, जो ट्रिगर प्राइस रहेगा उससे थोड़ा ऊपर आपको प्राइस सेट कर देना है। तो देखिए यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस दिखा रहा है, 7% का हमारा स्टॉप लॉस दिखा रहा है एंड टारगेट देखिए हमारा 11.53% का हमारा टारगेट दिखा रहा है। तो यहाँ पे प्लेस कर देना है ऑर्डर, तो फिर से हम यहाँ पे ऑर्डर पे जाएंगे, GTT पे जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा ऑर्डर प्लेस है, तो यहाँ पे दो एक्टिव GTT दिखा रहा है। तो पहले हमने ये इसमें स्टॉप लॉस सेट किया था, ओनली हमने स्टॉप लॉस सेट किया था एंड सेकेंड में स्टॉप लॉस एंड टारगेट दोनों हमने सेट किया, तो इसका ज़रूरत नहीं, तो ये हम डिलीट भी कर सकते, तो इसको हम डिलीट कर देंगे। तो पहला ऑर्डर हमारा डिलीट हो गया, जो स्टॉप लॉस था वो डिलीट कर दिया एंड एक ही ऑर्डर पे देखिए अभी स्टॉप लॉस भी है टारगेट भी है। यहाँ पे आपको दिखेगा प्राइस दिखेगा 320 हमारा स्टॉप लॉस है एंड टारगेट है हमारा 384। क्वांटिटी यहाँ पे दिखेगा, आप इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं एडिट में जाके या आप डिलीट भी कर सकते हैं। एंड अगर आप ट्रिगर टाइप OCO सेलेक्ट करते हैं तो सपोज आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया तो टारगेट ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा एंड अगर आपका टारगेट हिट होता है तो स्टॉप लॉस ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। OCO का मतलब वही है, वन कैंसिल अदर, अगर आपका एक हिट होता है तो दूसरा ऑटोमेटिकली वो कैंसिल हो जाएगा, सिस्टम ऑटोमेटिकली दूसरा ऑर्डर को कैंसिल कर देगा। ये तो हो गया हमारा स्टॉप लॉस, कैसे हम स्विंग ट्रेडिंग पे कैसे हम स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते कोई भी इंस्ट्रूमेंट में, पोजिशनल या इंट्राडे पे तो हमारा नॉर्मल स्टॉप लॉस ही हो जाता है, बट स्विंग ट्रेडिंग पे हम कैसे स्टॉप लॉस को प्लेस कर सकते वो हमने डिस्कशन किया। आज के लिए इतना है फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।